हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आज बस मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, उसमें जाना है मुझे। और बस व्लॉग स्टार्टिंग कर दिया आज मैंने फिर से। चाय बन रही है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब? तुमने अपनी अलग कर दी, मैं अपनी अलग कर दी। नहीं, आप अपने अलग ब्लॉग में कर रहे हैं, आप तो डेली करती हो ना। अब पुरानी हो गई, मैं नया हूँ। बस आज यही कपड़े पहन के जाऊंगा, कुर्ता पजामा मेरा डेली वियर का पहन। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और यहाँ बन रही है शाम की चाय, ये देखिए शाम की चाय बन रही है। और सब गेस्ट जा चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं, गेस्ट भी, घर के भी। दीदी तो उस दिन चली गई थी और भैया भी चले गए। कल ही भैया गए हैं नोएडा और कल ही गए हैं हनु कानपुर। तो घर हो गया है पूरा सूना, सारे अपने जो जहाँ से आया था वहां वहां चले गए, सब सूना हो गया है। और मैं थोड़ा दिन में सो ली थी, या फिर आग देख सकते हो कैसी हो रही है, क्योंकि मैं इतना 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 थकान हो रही है ना मेरे कि बस पूछो ना। तो मैं थोड़ा सा दिन में सो ली थी, कपड़े मतलब धुलने के लिए डाल दिए थे, सूखने रह गए थे, मशीन में डाल के ड्राई करने के लिए सो गई। और बस अब जली हूँ, चाय बना रही हूँ। बर्तन भी छोड़ दिए थे आज मैंने, इतना थक गई थी ना, सोचिए थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। तो बस अभी लगूंगी फिर से काम में, कपड़े वपड़े सुखाने हैं और चाय पी के फिर बर्तन साफ करूंगी। आज मैंने खाना बना के ना बर्तन भी साफ नहीं किए थे, मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इतना त्योहार की थकान तो हो ही गई थी। तो और ये जाएगा बर्थडे में, आज बर्थडे है, बगल में ही घर है उनके बच्चों का, तो लड़कों उसके उनके लड़के का उनके बच्चों का क्या, तो वहाँ जाएगा। तो चलिए बस चाय बना लेते हैं, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और कैसा रहा आपका त्योहार? हमारे तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। उतने दिन सब लोग रहे थे ना राग, अब तो सच बताऊँ बहुत मतलब दुखी हो गया था। दीदी गई उस दिन भी, ये बहुत ज्यादा दुखी था। फिर हनु भैया चले गए, चाचा भी चले गए इसके, तो बहुत ज्यादा दुखी। और मम्मा बहुत सूना सूना हो गया घर, तो वही वो है, आते हैं तो जाते ही लगता है ना। और ये तो है भी कुछ अजीब, इमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। कौन है देखना? हाँ ले लो, अभी हमारा ना आरओ खराब हो गया, आरओ की मोटर खराब हो गई है, तो पानी जो है वो घर पे आ जाते हैं देने के लिए। मोटर मंगानी है त्योहार की, वैसे भी सोचा चलो फिर मंगा लेंगे, अभी नहीं मंगाई थी। और दीदी ये को मिली है लेके, बोली तू जब काम करती ना साड़ी वाड़ी नई पहन के, तो फिर ये लगा लेगा। इसको क्या बोलते है जो उस तरह का होता है, ये लेके आई थी। बस बातों ही बातों में देखो चाय भी बन गई। हाँ जी, मुझे मेरे स्कूल वाली आंटी मिली। कौन? स्कूल वाली आंटी। अच्छा चलो, जानता हूँ ना उनको मैं, मेरे पुराने स्कूल वाले वो थे, नए स्कूल वाले वो ही है। मैंने पूछा आंटी स्कूल नहीं आ रही है? चलिए चाय छान लेती हूँ मैं। ले, तुझे करना है कुछ बात? इसको बहुत ज्यादा शौक चढ़ गया है ब्लॉग बनाने का। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी भी हेल्प हो जाती है बीच बीच में। आपके हेल्प करने के लिए मैं अपने शौक के लिए बनाता हूँ। तो गाइस आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस वो मैं कभी कभार अपने आप रील बना के डाल देता हूँ, रील्स। हम इस पे भी हमारा नागा रील डाल देता है, इंस्टा फॉलो कर लीजिए। आज मैंने बनाई थी पापा मम्मी आई एम हियर, इसका आईडी तो बता दें, तो सर्च मेंशन कर देंगे आपको, स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगी और उसमें भी कर देंगे, मेंशन से भी ओनली करना, तो बॉक्स में भी दे देंगे ना। दीपिका ब्रिज ब्लॉगर सर्च करके इंस्टा पे आ जाएगा। तो ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा प्लीज। चलो फॉलो तो छोड़ो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब भी करना, फॉलो से ज़्यादा सब्सक्राइब। ओके बाय, ठीक है। हम हौसन के परवाने जलने से नहीं डरते, अन्याम मोहब्बत की परवाह नहीं करते। ये मैं बाबा से गा के सीख गया हूँ। बाबा गाते हैं इसको? नहीं, बाबा सुनते हैं। अच्छा, फिर मैं सीख गया। बारी सीख गया तू? एक ही लाइन आती है मुझे। अच्छा, कभी कभार अम्मा भी सुनती है। पैसा बोलता है मेरी तरह दुनिया गोल मटोल, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है दुनिया गोल मटोल, पैसा मेरी तरह दुनिया गोल मटोल। तो
गाइस अभी चाय पापा के पास पहुंचे थे। मम्मी चाय देना जा रही है गाइस। अब व्लॉग में एक एक चीज आनी चाहिए ना, हम वो नहीं कर पाते तो इसलिए हम तो बस चाय पी के मैंने सुखा रही हूँ कपड़े। कपड़े सूख चुके थे, ड्रायर हो चुके थे और आप देख सकते हैं अंधेरा सा भी होने लगा है। यानी आरती हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने कपड़े सुखाए और फिर उसके बाद जस्ट करना है खाने की तैयारी। और आज खाने में ना सब्जी बनेगी, रतालू की सब्जी बनाएंगे और ये और मैं दोनों मिलके ही बनाएंगे क्योंकि इनको ज़्यादा आइडिया रहता है ऐसी सब्जियों का, जैसे जिमीकंद हो गया, रतालू हो गया, इस टाइप की सब्जी। तो ये मेरे साथ हेल्प करवाएंगे मेरी। और यहाँ फिर आ गई हूँ अंदर, आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी ना हल्की ठंड होने लगी है तो बच्चे रजाई फैला देते हैं, बिस्तर फैला देते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको समेट देती हूँ क्योंकि फिर आप शाम को ये लेटेंगे बच्चे वगैरह भी, तो फिर बिस्तर रह ही जाता है। कृष्णा की आदत क्या है, वो जल्दी जगता है तो फिर जल्दी सो भी जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है बिस्तर में कर भी नहीं पाती हूँ साफ और वो सो जाता है, फिर लगता है कि उसको कैसे उठाऊँ। तो इसलिए मैं इसी टाइम जल्दी से कर देती हूँ बिस्तर अपना साफ, तो बच्चा फिर वही अपने खा पी के सो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ मैंने रजाई समेट दी है, बिस्तर ठीक कर दिया है। और ये देखो दीदी लाई है तिलपट्टी, व्यावर की फेमस, बड़ी पतली सी होती है ये, है ना ऐसी होती है नाम बहुत कम समय है तिलपट्टी। अच्छा कितनी पतली होती तिलपट्टी, पर ये बहुत जल्दी सील भी जाती है ना, सील भी जाती है। देखो व्यावर भी बनती है ना, हम बस है ना। हाँ खत्री उनकी फेमस है खत्री। अच्छा ब्यावर चलो सब्जी बनाएंगे। रतालू काटना आपको पड़ेगा। अरे वाह वो टेस्टी है तिलपट्टी, तो काटना इनको पड़ेगा क्योंकि इसमें ये खुजली होती है। तो देखिए ये है रतालू, इसको छील दिया था इन्होंने, छील के रख दिया था और इसकी सब्जी बनेगी। इसमें ना खुजली बहुत होती है तो मैं तो बस हाथ लगा भी दूँ ना तो खुजली हो जाती है, होता है। मेरी स्किन वैसे भी सेंसिटिव है, अगर जो वो होती है ना अरवी वगैरह उससे भी खुजली हो जाती है। हल्का सा मैं टच भी कर दूँ हाथ से तो खुजली हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई आपको ही करना पड़ेगा, ये काटना आपको पड़ेगा। तो ये बस ये थोड़ा सा इसमें जड़ जैसी होती है ना, इनको निकाल रहे हैं ये और फिर इसको कट करेंगे। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जैसे पनीर को पीस हम कट करते हैं ना उस तरीके से कट करेंगे इसको। तो यहाँ इसको छील दिया है जिसने भी वो रह गए थे जड़ वगैरह सी। तो ये देखिए अब इस तरीके से ये काट रहे हैं बीच में से करके, और उसमें ना अरवी जैसा लिसलिसापन जैसा होता है, रतालू बोलते हैं और कहीं क्या बोलते हैं इसको मुझे ढंग से नाम नहीं पता है। इनको ऐसी सब्जियाँ ज़्यादा ही पसंद हैं, जैसे जिमीकंद है, रतालू है और भी सब्जियां होती है इस टाइप की जो ज्यादा पसंद है। ये दो मुझे तो सच में बहुत खुजली होने लगी, अरबी भी छीलने लग जाती है। काय में करूं, सरसों के तेल में रिफाइंड में फ्राई, सरसों के तेल में धुल गए और तेल रख दिया कढ़ाई में, इनको फ्राई करना है। सैलो फ्राई करूंगी। और ये लहसुन है, अदरक और हरी मिर्ची और इसका पेस्ट एक जगह बना लू है ना, मतलब वो कर दूं ना? नहीं मैं एक सब पेस्ट बना लू, अदरक हरी मिर्च और लहसुन इसका मतलब पेस्ट बना लो, या फिर मैं इसमें कर लूंगी चॉपर होता है ना वैसा वाला उसी में। तो कुछ कली ली है मैंने लहसुन की, ये देखो अदरक है इतना सा टुकड़ा, दो हरी मिर्ची डाल दी है ना। चलो पहले इनको डाल देते हैं इसमें, धुल गई है इनको फ्राई करनी है तेल में। तो यहाँ पे ना मैं ये थोड़ा सा फ्राई करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं जो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची उसको इसमें मैं कर ले रही हूँ, पीस ले रही हूँ थोड़ा सा, मतलब
इसमें ज़्यादा बारीक भी नहीं होता है और एकदम से वैसा मोटा भी नहीं रहता है, तो इसी में मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा जो अदरक हरी मिर्च होती है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे रतालू हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो इसको फ्राई करने का ये है कि कम से कम 10 मिनट का टाइम इसमें लग जाता है। धीमी मतलब मीडियम गैस पे इसको फ्राई कर लो, या तो आप डीप फ्राई कर लो या सैलो फ्राई कर लो, तो क्योंकि बिना फ्राई करे इसमें थोड़ी सी खुजली भी रहती है, इसलिए बिना फ्राई करे इसको बनाना भी नहीं चाहिए, वरना खाते में गले में खुजली जैसी हो जाती है इससे। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से अदरक लहसुन और उसका पेस्ट बना लिया है, और इधर मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ की, और लगभग 4 मैंने टमाटर लिए हैं, ये भी मीडियम साइज़ के ही हैं। इनको मैं अलग अलग पेस्ट बनाऊंगी, टमाटर का अलग बनाऊंगी और प्याज का अलग बनाऊंगी, और यहाँ वो तो है ही है अदरक लहसुन और हरी मिर्च, उसको मैंने एक साथ में कर लिया है, और यहाँ प्याज को भी मैंने पीस लिया है। तो यहाँ देखिए मैं चेक कर रही हूँ, तो ये जब हम फ्राई करते हैं ना तो अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस यहाँ हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो अब इनको निकाल देते हैं कढ़ाई में से। तो ये देखिए मैं इनको निकाल देती हूँ, फिर अभी इसी तेल में हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने अभी ना निकाल दिया है, और तेल बहुत ज़्यादा है इसलिए तेल को मैं निकाल देती हूँ, थोड़ा सा रखा है बस 1 चम्मच के करीब। इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और जीरा तड़कने के बाद हमने जो प्याज अदरक और लहसुन का जो बनाया था ना पेस्ट वो हम डाल देंगे, उसको भून लेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा प्याज लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है, सिंपल सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं लगती है जितना कि इनके साथ ज़रूरी है। तो इसको भून करके तो बस जब ये भुन जाएंगे उसके बाद हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था ना उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसको भी अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ में। और यहाँ पे मैंने ना टमाटर भी डाल दिए थे, जो मेरी प्याज भुन गई थी वो क्लिप ऐड नहीं हो पाई है, इसमें टमाटर भी डाल दिया था। अब उसके बाद हम यहाँ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि मैंने हल्दी पाउडर लिया है, वो मसाले आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, धनिया पाउडर ले लिया है और लाल मिर्ची का पाउडर। तो इसके साथ में मसालों के साथ में और टमाटर के साथ में इसको भूनेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से भुन जाएं और पक जाएं। फिर इसको ढककर के हमें पकाना है जब तक कि इसमें ऊपर ऊपर तेल ना दिखने लगे तब तक। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर में नमक भी डाल दिया है, टमाटर में नमक डालने से ना जल्दी से टमाटर पक जाते हैं और अच्छी तरीके से गल भी जाते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं, देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, कढ़ाई छोड़ने लगी है, इतना हमें मसाला इसको पकाना पड़ता है, और पकाना भी चाहिए तभी सब्जी का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने फ्राई करके रखे हैं ना अपने रतालू उसको ऐड कर देंगे, और अब हम यहाँ पे पानी एडजस्ट कर देंगे, जितना भी आप पानी ग्रेवी कैसी रखना चाहते हैं सब्जी की उस हिसाब से। थोड़ी सी ग्रेवी आप चावल के साथ चाहते हैं तो थोड़ी ग्रेवी ठीक ठाक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी में कर दिया है पानी, और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे 5 मिनट तक लगभग। तो ये देखिए सब्जी हमारी 5 से मैंने 6-7 मिनट और पकाई थी, तो यहाँ देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला और हरा धनिया। तो बस यहाँ हो गई है सब्जी तैयार, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनी है। इसके बाद में मुझे रोटियाँ सेकनी है, इसके साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब्जी तैयार हो गई है, बस फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ, सब लोग खाने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक, देख ली आज मैं ना फिर जल्दी जल्दी में चकला रखना भूल गई, फिर आप कहेंगे कि चकला नहीं यूज़ करती हो, तो मैं गलती से जल्दी जल्दी में भूल गई थी। तो चलिए वीडियो का एंड आज मैं यहीं से करूंगी, मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे।